हे एवरी वन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन आर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई एजुकेशन मेट एंड हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू इन चूजिंग द राइट करियर ऑप्शन फॉर यू तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम राइट करियर या फिर राइट स्ट्रीम नहीं चूज करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इन द फ्यूचर सो लाइक अगर तुम क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो सो इन क्लास अलेवन्थ यू विल बी चूजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रीम एंड इन द सेम वे अगर तुम क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो तो इसके आगे हमें क्या करना है क्या कोर्सेज हमें चूज करने हैं दैट यू विल बी डिसाइड तो ये हमारे पास ना मेजर डिसीजन होते हैं बिकॉज अल्टीमेटली अगर यहीं पे हमने गलत डिसीजन ले लिए सो इट विल हैव अ लॉन्ग अब क्या क्या वो हो सकते हैं तो देखो सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑब्वियसली हमने वो चीज चूज ही नहीं करी जिसमें हमें इंटरेस्ट था बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गलत करियर ऑप्शन चूज करने के भी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कैन बी प्योर प्रेशर लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा फ्रेंड ही कर रहा है तो हम सोचते हैं कि यार हम भी कर लेते हैं कई स्टूडेंट्स को जेई नीट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बट स्टिल वो जेई नीट के फॉर्म फिल करते हैं बिकॉज हर कोई फिल कर रहा होता है देन पेरेंट्स का प्रेशर बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर साइंस ले रखी है बच्चे ने तो वो ही अच्छा कर सकता है ये कुछ हमारी प्रीवियस मेंटालिटीज भी हैं जो एक्चुअल में गलत है तो ये कुछ चीजें जो है वो भी फर्दर आगे तुम लोगों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है बिकॉज अगर राइट करियर ऑप्शन हमने चूज नहीं कर रखा है तो हम ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर चीज में अपना हंड्रेड नहीं दे पाएंगे देन इज अनएम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल लॉसिस अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बिकॉज उस पर्टिकुलर फील्ड में हमें इंटरेस्ट था नहीं तो हम वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली हमें कोई जॉब क्यों ही देगा बिकॉज एट लास्ट जब हम जॉब लेने जाते हैं तो वहां पे स्किल्स पूछी जाती है एंड मेजरली तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस अब स्किल्स ही नहीं है तो तुम्हें काम कौन ही देगा एंड वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से ही मिलेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखो मिस्टेक्स हम क्या क्या कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया प्रेशर इसमें प्योर प्रेशर हो सकता है पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है एंड कई बार हमें खुद ही नहीं पता रहता है इवन दो देर इज नो प्रेशर कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करनी है हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इफ यू ऑल्सो हैव दिस डाउट कि यार हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए तो उसमें तुम्हें माई एजुकेशन में हेल्प करने वाला है क्योंकि यहाँ पे इन लोग का एआई पावर्ड करियर असिस्टमेंट टेस्ट रहता है जो कि तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जिसके बारे में ही हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है उससे पहले यहाँ पे करियर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस रहती है ऑब्वियसली इन लाइफ बिकॉज दिस इज समथिंग जिसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट रहने वाला है जो भी हम डिसीजन अभी ले रहे हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करेगी बिकॉज मान लो मैंने एक पर्टिकुलर डिग्री कर ली है एंड उसी की हेल्प से मुझे कोई जॉब मिल रही है एंड ऑब्वियसली मैं दूसरे सेक्टर में देन चेंज नहीं कर सकती हूँ सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हैव अ लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक द राइट चॉइसिस एट द राइट टाइम जो कि अभी ही है ठीक है एंड यहाँ पे फैक्टर्स हमें क्या क्या कंसिडर करने हैं जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं सबसे पहले ना इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में देन क्या उस पर्टिकुलर करियर का फ्यूचर है भी या फिर नहीं मान लो हमने कोई ऐसा कोर्स चूज कर लिया जिसकी अब कोई वैल्यू ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो हमारे करियर के लिए अच्छी नहीं रहेगी राइट right? तो ये कुछ चीजें हैं ये सारे हाँ पे हैं, है career, है? यहाँ पे मैंशन भी कर रखे हैं जो कि तुम लोग को कंसिडर करने हैं वेन एवर यू चूजिंग अ पर्टिकुलर करियर ठीक है उसके बाद यहाँ पे करियर काउंसिलिंग तुम लोग को किस तरीके से हेल्प करेगी तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे लोग तुम्हारे स्कूल में भी आए होंगे करियर काउंसलिंग के लिए तो करियर काउंसलिंग ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज यू गेट टू नो योर सेल्फ किस पर्टिकुलर फील्ड में एक्टली exactly मुझे इंटरेस्ट है बिकॉज जब हम टेंथ ट्थ में होते हैं ना हमें उतना अच्छे से पता ही नहीं रहता है कि हमें एक्जैक्टली exactly फ्यूचर में करना क्या है तो तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता चलता है करियर काउंसलिंग से किस पर्टिकुलर फील्ड में हमारी एक्सपर्टीज है हम किस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं ये करियर काउंसलिंग तुम्हें बताएगी ठीक है अब देखो माई एजुकेशन मीट ये हमें कैसे हेल्प करेगा सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज डेडिकेटेड मेनली फॉर द स्टूडेंट्स एंड द जॉब सीकर स्टूडेंट्स के लिए बिकॉज

पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है सो डेफिनेटली इसे चेकआउट करना इसके अलावा अगर तुम लोग को और भी वीडियोस चाहिए हैं रिगार्डिंग करियर ऑप्शंस एंड एवरीथिंग सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेस वीडियो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही होगी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो